जय हिंद बच्चों, आज हम बात करने वाले पीएनएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए कि क्या पीएनएसटी में जो ऑटोनोमस कॉलेज है उसकी सीटें कितनी है, क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली ऑटोनोमस कॉलेज की काउंसलिंग कब होगी और जो नॉर्मल वाली जो आपकी काउंसलिंग कब होगी, तो सब पर मैं चर्चा करूंगा आपको इस वीडियो में मिलने वाली पूरी जानकारी। और देखिए, आप लोग कभी गलती कर दिए, एक भी गलती अगर आपसे हो गई, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर जो भी स्टूडेंट इसे सुन पा रहा है, अगर आपसे एक भी गलती हो गई बच्चा, तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आप हमसे पढ़ रहे हैं आप किसी भी विद्यार्थियों का जो है एडमिशन कैंसिल हो और आप लोग जो जॉब आपको मिलना है उससे क्या हो वंचित हो। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो भी हमारी अपडेट आती है उसे ध्यानपूर्वक सुनेगा, ऑफिशियली अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखिए, काउंसलिंग से पहले कुछ निर्देश भी आपको पढ़ना है कि जैसे कि आपको क्या इसमें बॉन्ड कितना भरवाया जाएगा सर जी, और क्या निर्देश दिए, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो इस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उसमें आपको अगर जो भी डॉक्यूमेंट की कमी होगी आप लोग उसे ला लीजिएगा अपने पास या फिर अरेंज कर लीजिएगा। काउंसलिंग के पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने काउंसलिंग कर लिया और आपको निर्देश ही पता नहीं है कि सर कितने क्या है, आपको पता है बच्चों इसमें बॉन्ड कितना है, 2 लाख का बॉन्ड भरना है, कितने सर जी 2 लाख का बॉन्ड भरना है, क्या होता है यह बॉन्ड हमें समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आप लोग अंत तक ज़रूर से बने रहना है, आपको समझना है। अगर जानकारी आपको कुछ में डाउट हो, कुछ में प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा सर हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आपके लिए मैं पुनः एक और आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और सब कुछ आपके लिए हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपको एनएम वालों की काउंसलिंग नहीं होगी, मैंने वीडियो बना दिया है कि एनएम वाले को ओनली मेरिट लिस्ट आएगी और उनका सिलेक्शन होगा, उनकी काउंसलिंग नहीं होगी, उन्होंने वहाँ पर साफ साफ कह रखा है। तो चलिए, यहाँ पर मैं पीएनएसटी वाले स्टूडेंट के लिए बात करने वाला हूँ। चलिए ऑफिशियली जानकारी जो हमारे पास पीडीएफ है उस पर लेके चलता हूँ आपको। तो ये है आपका पीडीएफ पूरा दिया हुआ है ऑटोनोमस कॉलेज के ऊपर, मैं आपको लेके चलता हूँ बच्चों कि ऑटोनोमस जो कॉलेज है उसमें जो है आपका कितनी सीटें हैं और जो नॉर्मल उन्होंने 500 जो आपको दी थी, 500 कितनी सीटें दी थी, चलिए मैं बता दूँ आपको कितनी सीटें दी। पूरी ऑफिशियल जानकारी प्रोवाइड करूँगा बच्चों, कुछ भी जो है हम आपको दूसरी जानकारी नहीं प्रोवाइड करेंगे। चलिए, ये तो निर्देश थे पहले वाले जो आपके नॉर्मल कॉलेज थे उसके लिए। चलिए, कितनी सीट थी पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर। चलिए, पहले सीट थी आपकी 540। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोग, कितनी सीट है सर जी 540। अब ऑटोनोमस कॉलेज की कितनी सीट है वो देख लेते हम लोग। चलिए, निर्देश भी देखेंगे हम लोग और उसकी जो है आपकी सीटें भी बताऊंगा आपको, पूरी ऑफिशियल जानकारी हम लोग प्रोवाइड करने वाले आपको। चलिए, ये सीट थी 10% आरक्षण वगैरह वगैरह उस पर लगेगा और कितने सीटों कितने लोगों को कितनी सीट बटना है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, ये आ चुकी है आपकी सीटें। अब देखिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, जो जो जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। देखिए, प्रशिक्षण में सफल संपन्न करने के उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, पद के लिए नियुक्ति दी जाएगी, मतलब आप अगर इस कोर्स को पूर्ण करते हैं तो उसके बाद क्या करेगी, आपको नियुक्ति दी जाएगी। आपको ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि सर कोर्स करने के बाद हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, आपको नियुक्ति दी जाएगी। और मैंने पहले भी कर रखा है, वेतनमान कितना जाएगा, आपको सैलरी कितनी जाएगी, आपकी 5200 से लेकर आपकी जो है 28,000 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। यह तो नॉर्मली रहेगी जब आप लोग कॉलेज में रहेंगे, कितना अमाउंट आपको एडमिशन कितना फीस लगने वाला है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देने वाला हो बच्चों, आखिर तक बने रहना है। ये तो बात होगी आपकी कितनी सैलरी बनने वाली है। उसके बाद आता मैं, देखिए आवंटित के पश्चात कॉलेज परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज मिल चुका है, जैसे कि आपको मान के चलिए कुछ भी भोपाल कॉलेज मिल चुका है और भोपाल से आपको जबलपुर जाना है, तो चेंजेस नहीं होगा। देखिए, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह रखा है, बाद में अंत में मुझे कमेंट्स ना करिएगा कि सर हमें तो काउंसिलिंग में कॉलेज मिल चुका है बट हमें चेंज करना है, चेंज नहीं होगा। ध्यानपूर्वक कॉलेज अरेंज कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट कॉलेज अरेंज करेगा मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन सा कॉलेज आप लोग पहले चूज़ कीजिएगा, जिनके कम मार्क्स है वह कौन सा कॉलेज चूज़ कीजिएगा, जिनके अधिक मार्क्स है वह कौन सा कॉलेज चूज़ कीजिएगा, पूरा मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आप लोग बस बने रहिएगा। चलिए, ये आ चुकी है आपकी ऑटोनोमस कॉलेज की पूरी लिस्ट, कहाँ कहाँ कॉलेज है। तो देखिए, इसके लिए कॉलेज है आपका कहाँ सर जी, एक तो उज्जैन में है और एक तो जबलपुर, दो कॉलेज है। इसमें कितनी सीट है आपके पास, 120 सीट है, वो 540 सीट अलग है बच्चों, और ये जो है आपके पास कितनी सर जी, ये टोटल आपके पास है 390 करीब, कितनी 390, 540 और 390, ऐसे टोटल मिलाकर कितनी सीट होगी सर जी हमारे पास, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए आपके पास कितनी सीटें, 930 सीट है। तो मतलब आपका 930 बच्चे सिलेक्ट होने वाले, कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, 930।
तो इसका बेनिफिट किस किस को मिलेगा यह मैं आपको जानकारी दे दूँ। यह तो आपकी जो है नॉर्मल सीटें हैं, और ये ऑटोनोमस कल्स की कितनी सीटें हैं आपके पास, 390 सीट है। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सब में मिलेगी। जो भी पीएनएसटी स्टूडेंट पास हुआ है सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। देखिए इन्हें किस किस कॉलेज है यहाँ पर ऑटोनोमस के, कितने कॉलेज है अपने पास, 6 कॉलेजेस है। एक तो इंदौर में है, एक तो भोपाल में है, एक तो ग्वालियर में है, आपका सागर में है, रीवा में है और जबलपुर में। ऐसे टोटल मिला के आपके पास कितने सीट है सर जी, 390 सीट है। कितने सीट है, 390 सीट है। बिल्कुल सर, सही जगह सही कहा आपने। अब देखिए यहाँ पर एसटी में बांटा है, एसटी में बांटा है, ओबीसी में बांटा है, जनरल में और ईडब्ल्यूएस में। यहाँ पर पूरा विवरण आपको दे रखा है मैंने। जब आपकी काउंसलिंग होगी ना बच्चा, तो कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है उसके बारे में वीडियो दूंगा। काउंसलिंग की डेट अभी आने को है, काउंसलिंग की डेट भी 10 से सप्ताह भर या 15 दिन में आ जाएगी। उसके बारे में उसके बाद जो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ऑटोनोमस कॉलेज के लिए जो भी स्टूडेंट कमेंट्स कर पा रहा था कि सर यहाँ पर क्या है, कितनी सीट है, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दें, तो बच्चा 390 सीट है। यह भी सीटों का लाभ आपको मिलने वाला है। तो कैसे इसका लाभ मिलेगा यह आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कट ऑफ को वीडियो में लाऊंगा बच्चों, आज ही कट ऑफ को वीडियो लाने वाला हूं मैं। उसमें हम बताऊंगा आपको कि ये 390 सीट किसे प्रोवाइड होगी, 540 जो है सीटें किसको किसको मिलने वाली है, सिलेक्शन किस बेस पर होगा, किस रैंक वालों का सिलेक्शन होगा। इस पर मैं वीडियो नेक्स्ट वाला वीडियो बनाने वाला हूँ। यह मैं ओनली निर्देश के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि आपको निर्देश कितना लगेगा, क्या क्या निर्देश है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, इस पर यह वीडियो है। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा, मैं निर्देश आपको बता रहा हूँ। एक एक निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास निर्देश का वीडियो हम नहीं बना पाएंगे आपके लिए। कितने साल का ट्रेनिंग होगा, देखिए आपको बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि होगी आपकी 4 साल की। कितने साल की उसके सर जी, 4 साल की आपकी यहाँ पर अवधि होगी, 4 साल आपके लिए कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ प्रशिक्षण अवधि में छात्रवास में निवास करना अनिवार्य होगा, छात्रवास के निवासों का पालन करना अनिवार्य होगा। आगे चलते प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करने प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी, मतलब उन्हें तो यहाँ पर प्रशिक्षण में रहने की आवश्यकता, मतलब यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष के पश्चात केवल 1 माह की अवकाश होगा, तो और 10 दिन मेडिकल अवकाश होगा। मतलब 1 साल में कितना, 10 दिन आपका मेडिकल का अवकाश होगा। आपको रहना कहाँ है, आपको हॉस्पिटल के ही जो है, हॉस्पिटल जो मिलेगा आपको वहीं पर उसका कॉलेज रहेगा। ठीक है बच्चों, हॉस्पिटल में ही वो कॉलेज रहेगा, वहीं पर आपको रहना है। 1 साल में 1 माह छुट्टी मिलेगी और 10 दिन का आपको अवकाश मिलेगा। उसके बाद प्रशिक्षण ड्यूटी के समय जो है आपको अनुसार संशोधन गणवेशन, मतलब देखिए गणवेशन मतलब आपकी यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा जब आप लोग कहाँ जाएंगे ट्रेनिंग में जाएंगे। तो छात्रों को कार्य कर हेतु एक रिश्तेदार से मिलने की अनुमति नहीं होगी। देखिए यहाँ पर अगर कोई छात्र का पेरेंट्स आता है और आप लोग ड्यूटी में हैं, तो आपको मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब आपकी ड्यूटी से छुट्टी होगी तभी आपको क्या होगी, यहाँ पर उनसे मिलने दिया जाएगा। मतलब ये आपकी ट्रेनिंग करवा रहे, आपको ना कि कॉलेज करवा रहे, यह आपको क्या करवा रहे, ट्रेनिंग करवा रहे। उसके बाद क्योंकि आपको जॉब प्लेसमेंट देना है, तो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे मेडिकल स्टाफ को अरेंज होता है, ये सब कुछ आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मेस का भोजन खाना अनिवार्य है। तो देखिए हॉस्टल में आप लोग रहेंगे तो वही का आपको भोजन खाना पड़ेगा। उसका खर्चा कितना आ रहा है, हॉस्टल खर्चा कितना आएगा, एडमिशन फीस कितनी लगेगी, पूरी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए छात्रों को प्रशिक्षण के अवधि में माता पिता के अभिभावक की भर्ती के समय लिखित में अधिव्रत किए जाने वाली व्यक्तियों को से सम्मिलित मिलने की अनुमति दी जाएगी। मतलब आपको माता पिता पेरेंट्स से मिलने की अनुमति दी जाएगी, इन्होंने कहा है। प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन की व्यवस्था और बड़े त्योहारों में अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जाएगी। बड़े त्यौहार जैसे दिवाली होली में सबको आपको क्या घर जाने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद देखिए क्या है, छात्रों को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संदेह की। आप लोग बाहर जाते हैं, कोई देखिए आप लोग हॉस्टल से जाते हैं, मतलब जिम्मेदारी किसकी होती है, सब कुछ तो जिम्मेदारी हॉस्टल वालों की होती है। तो आपको उसका टाइमिंग लिखना पड़ेगा कि आप लोग कितने बजे बाहर जा रहे हैं और कितने बजे वापस आ रहे हैं, तो यह टाइमिंग आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए छात्रों को बाहर आने जाने का पूरा पता लिखना पड़ेगा, रजिस्टर वहाँ पर होगा आपको, डेली रजिस्टर होगा, आप लोग कितने बजे बाहर जाते हैं, बाहर से कितने बजे घूम के आते हैं, पूरा वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उपरोक्त निर्देश का कड़ी से पालन करना पड़ेगा, प्राचार्य के जितने भी आपको प्राचार्य रहेगा वहाँ पर उसका निर्देश का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र से दूसरे प्रशिक्षण स्थानांतरित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि एक बार आपने जहाँ पर एडमिशन ले लिया आपको पूरा 4 साल वहीं पर बिताना पड़ेगा। इसलिए जिसके भी बच्चों अधिक से अधिक मार्क्स होंगे ठीक से ही कॉलेज चूज़ कीजिएगा, जो आपका जो कॉलेज है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 4 साल बिताना पड़ेगा। वीडियो में बना दूंगा कि कौन सा कॉलेज जो है आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जितने ज़्यादा मार्क्स है, कम मार्क्स वालों के लिए कौन सा कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा, उसे कौन सा कॉलेज में सिलेक्शन होगा, उसका भी वीडियो में बना दूंगा।
देखिए उपरोक्त नियम का पालन जो है करना है आपको। उसके बाद जो है देखिए यह जानकारी मैंने बता दूं आपको कि ये देखिए छात्रों द्वारा 2 लाख का अनुबंध बॉन्ड भरना अनिवार्य है, शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध भरवाना होगा। तो देखिए आपको कितने लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, 4 लाख का। ये बॉन्ड क्या होता है सर जी, तो देखिए अगर आपने एडमिशन ले लिया है और बाई चांस आप लोग उसे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं आप लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो जो आप लोग छोड़ के जा रहे हैं वह सीट तो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो उस सीट को ख़राब ना हो इसलिए वह 2 लाख का बॉन्ड भराया गया। अगर आप लोग उस सीट को छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं तो आपको पहले शासन को 2 लाख देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग उस सीट को छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि एडमिशन ये निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एडमिशन आप लोग लेते हैं, काउंसलिंग भाग लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप जो है पैसा दे देते हैं, उसके बाद आपको यह जमा नहीं करना बच्चों, सिर्फ बॉन्ड आपको भरवा के रखना पड़ेगा। एक फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लोग बाई चांस किसी भी कारणवश उसको कारण से आपको कोई मतलब नहीं, उन शासन को कोई भी कारण से मतलब नहीं, ओनली उनसे मतलब है कि आप लोग बस करते जाइए, क्योंकि बच्चा एक सीट खराब हो गई तो एक बच्चे का लॉस होगा ना, इसके कारण जिसे ये बॉन्ड आपसे भरवाया जाता है। अब समझ में आ चुका होगा बॉन्ड की क्या निर्देश है। चलिए उसके बाद देखिए चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु यह जो है आपका चिकित्सा विभाग हेतु क्या है सर जी, देखिए प्रवेश शुल्क आपको लगेगा 25,000 प्रति वर्ष का। कितना लगेगा, 1 साल का 25,000, 4 साल का 1 लाख रुपये लगेगा। कितना लगेगा, 1 लाख रुपये लगेगा 4 साल का। कंप्यूटर शुल्क आपको 1,000 जितना है अलग अलग लगेगा। आपका काशन मनी सिर्फ एक बार जो है रिफंडेबल होगी 500 रुपये। उसके बाद यह लगेगा ट्रांसपोर्ट फीस कितनी लगेगी सर जी, यहाँ पर लगेगी आपको 1,500 रुपये। और जो है कुल शुल्क आपको टोटल मिलाकर शुल्क लगेगी 28,000 रुपये। 1 साल का जो आपको खर्चा आएगा 28,000 रुपये। हॉस्टल का जो फीस है अलग से देना पड़ेगा आपको, कितना, 6,000 रुपये। और काउंसलिंग फीस कितनी, एक बार आपको 1,000 रुपये लगने वाली, कितनी, 1,000 रुपये। इसलिए जो काउंसलिंग करेगा बच्चा तो वह ठीक से ही करिएगा बच्चों, क्योंकि कितने अमाउंट कितना लगेगा, 1,000 रुपये, बहुत अमाउंट होता है बच्चों 1,000 रुपये। टोटल आपको बता दिया मैंने कितनी फीस लगने वाली है, आपको फीस लगेगी पूरी टोटल 28,000, 6,000 रुपये हॉस्टल का अलग से लगेगा, खाना पीने का यहाँ तो इन्होंने दे नहीं रखा है कि खाने का कितना अमाउंट लगेगा। नर्सिंग इंदौर में प्रवेश पाने वाले छात्रों को काउंसलिंग के दौरान ABC बिंदु का निर्देश का पालन करना पड़ेगा, जो मैंने बता रखा है आपको। उसके बाद शासन द्वारा नवीन प्रवेश पत्र अन्य छात्रों को प्रतिमाह 3,500 रुपये से 4 वर्षों तक शासन द्वारा स्टाइपन प्रदान की जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि सर हमें स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, स्टाइपन कितनी मिलेगी, तो आपको 3,500 रुपये स्टाइपन मिलेगी प्रति साल की, हर एक साल की। चलिए ज़्यादा अमाउंट नहीं है बच्चों, 28,000 रुपये कोई मायने नहीं रखता आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि इसके बाद आपको गवर्नमेंट प्लेसमेंट ही मिलने वाला है। मतलब आप लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो आपको 4 महीने में निकल जाएगा आपको। 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, 20 से 25,000 रुपये तो 4 महीने में आप लोग इजीली निकाल सकते हैं अपनी जो चार साल कोर्स करने के बाद। इकोनॉमिक्स कॉलेज कहाँ का है मैंने जानकारी दे दिया है। प्रशिक्षण छात्र के निवास करने वाली छात्रों को छात्रावास में नियमों का पालन करना पड़ेगा, यह दे दिया मैंने। यह नोटिस है आपके लिए ग्वालियर कॉलेज से रिलेटेड। और क्या इंपॉर्टेंट है सर जी, और एक खंड, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश थे, मैंने आपको बता चुका है। चलिए अब बता दूं मैं आपको डॉक्यूमेंट का वीडियो मैं आपको बाद में बना दूंगा बच्चों, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लिए हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है कहाँ है, ये तो सब यहाँ पर पेपर का दिया था इन्होंने। चलिए ये थे आपके निर्देश, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश थे, बहुत से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, बहुत से स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ, ठीक है बच्चों। तो यह निर्देश थे आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो मैं उसको आप लोग डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप लोग इसे नोट कर सकते हैं कितना अमाउंट लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। मैंने पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जानकारी अगर आपको समझ में आई होगी तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट हमें देख पा रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, तो उन तक जो है पूर्ण तरीके से जानकारी उन्हें मिल जाए। और देखिए अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाऊंगा, कट ऑफ का वीडियो लाऊंगा कि कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट का वीडियो लाने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले, अरेंज कर लेना है अभी से ही। और जो है उसके बाद और जो इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि काउंसलिंग कब, उसकी डेट कब आती है, पूरी वीडियो में आपके लाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग जो है देखिए आप लोग हमें फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप, एक ही वीडियो में पूरी जानकारी देंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा आपको कि सर एक ही वीडियो में आपने पूरी जानकारी दे दी, हमें समझ में भी नहीं आया। इसलिए देखिए अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, आपको कट ऑफ की वीडियो लाने वाला हूँ कि कितने स्टूडेंट जो है इसमें सिलेक्ट ले लेंगे। और आपके पास सीटें तो बहुत है, आपके पास एटलीस्ट बहुत से स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप कैटेगरी वाइज में बताऊँगा आपको कितना स्टूडेंट है और कितने मेरिट और कितने रैंक वाला स्टूडेंट सिलेक्शन लेगा। तो जानकारी अगर पसंद आई होगी बच्चों तो लाइक की बटन जरूर दबाइएगा, अपने स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड होने वाली है आगे चल के, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेलकम बैक, जय हिंद, नमस्कार।